हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इंप्रूव योर आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि कानून के बारे में दैट इज़ फार्मर्स प्रोटेस्ट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट सो लेट्स स्टार्ट The Supreme Court has put on hold on the implementation of three farm laws that are at the center of the farmers' protest. The top court also formed a committee of experts to help in resolving the impasse. There is currently widespread farmers' protest happening against the three reforms. Number first, farmers produce trade and commerce act that is kreshak upach vyapar or vanij. Number second. Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, that is Krishi Kimit Ashwasan or Krishi Seva Karar Vidheyak. Number 3 Essential Commodities Act, Avashik Vastu Sansodhan Vidheyak. So, let us study about the first law, that is. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज यानी कि जो किसानों की पैदावार है उसके बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है किसान इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच सकते हैं तो चलिए जानते हैं एपीएमसी क्या है तो एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी एक्ट लागू होने के बाद से किसानों की फसल को बिचौलियों से बचाने और किसान का शोषण ना हो इस पर खूब काम हुए पर जब किसान ए, -ए मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो इससे बड़े बिजनेसमैन को छूट मिल जाएगी और वह मन माने ढंग से किसान की फसलें को फसलों को खरीद लेंगे और सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा पर सरकार कह रही है कि मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लाई है तो भाई मंडियों की सुधार की कोई बात कर लेते हैं चलिए किसानों की फसल बड़े बिजनेसमैन के हाथों तो क्यों सौंप दी किसानों को ए पी एम सी मंडियों में जब किसानों की फ़सलों का दाम लगाया जाता तो, तो तो वहीं पाँच या दस दुकानदार तय कर लेते थे बोली लगाकर इससे थोड़ी परेशानी थी पर इस नए कानून से कोई सुधार नहीं दिखता बल्कि किसानों का नुकसान ही नुकसान है चलिए अब दूसरे कानून के बारे में बात कर लेते हैं कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक इस कानून में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है इसे हम सरल भाषा में कहते हैं बलकट इसमें किसान अपना खेत एक साल के लिए किसी एक व्यक्ति को सौंप देता है उससे पैसे ले लेता है और वह व्यक्ति चाहे जो फसल उसमें उगा सकता है पर बलकट पर फसल लेने वाला तो किसान है ना कि बिजनेसमैन किसान तो खाद्यान्न उगाएगा पर क्या पता कंपनियों वाले फायद, अपने फायदे अपने फ़ायदे के लिए खेत में नील की खेती करने लगे जैसे अंग्रेज करते थे तो क्या अंग्रेज का शासन आने वाला है पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के साथ किसान की वश की बात नहीं है अगर कोई विवाद हुआ तो वह सुलझाना किसानों की वश की बात नहीं है ना तो किसान अच्छा वकील रख सकता है और ना ही तहसील जा सकता है और ना कोर्ट कचहरी कर सकता है और और बेचारा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ सकता तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक यह तो किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खतरनाक है इसमें कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा ना होगी मतलब दो तीन या एक साल तक अपनी फसलों को घर पे रखे रहो और जब ऊंचे दाम आए तब बेच दो तो। भैया किसानों के पास गोदाम नहीं है पर सरकार को ये कौन बताए और फसल स्टॉक कर लेगा तो वह अपने खर्चे कैसे चलाएगा अगर पैसा होता तो बार बार सरकार से कर्ज क्यों मांगता और कर्ज़ ना दे पाने पे आत्महत्या क्यों कर लेता क्योंकि निजी कंपनियां और अमीर लोग फसल खरीदेंगे तो सरकार को पता नहीं चलेगा और वह स्टॉक कर लेंगे किसान तो स्टॉक नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह फसल आते ही अपनी फसल बाज़ार में बेच देगा भारत में किसान गरीब हैं तो किसानों को कानून का कोई फ़ायदा नहीं अन्नदाता के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी बहुत गलत है यानी कि जमाखोरी की छूट मिलेगी पूजीपतियों को थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टैलेंट